हाय गाइस, मेरा नाम है सुमन शुक्ला। मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए कैरेमल पॉपकॉर्न की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉपकॉर्न बनाते हैं, इसमें एक चम्मच घी डालेंगे। मैं इसे घी में बना रही हूँ, आप बटर ऑयल किसी में भी बना सकते हैं। घी मेल्ट हो गया है, अब मैं इसमें पॉपकॉर्न डालूंगी। इसे हल्का सा सौते करेंगे। इसे तेज आंच में ही बनाना है। जैसे ही ये फूटना शुरू होगा मैं इस पर लिड लगाऊंगी। पॉपकॉर्न इसके क्रैक्स होंगे तब तक मैं कैरेमल बनाती हूँ। तेज आंच पर कैरेमल बनना शुरू। यहाँ देखिए हमारे पॉपकॉर्न भी कैसे अच्छे से बन रहे हैं, आपको आवाज आ रहा है। अब इसमें हम थोड़ा सा देखिए हमारा जो शुगर है वो कैरेमलाइज हो गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा बटर डालूंगी, इससे कैरेमल में ग्लेज भी आएगा और हमारे पॉपकॉर्न अलग अलग हो जाएंगे, आपस में चिपकेंगे भी नहीं। मिक्स करेंगे अच्छी तरह और इसमें एक पिंच खाने का सोडा डालेंगे, एक पिंच, क्योंकि अभी कलर चेंज होना शुरू हो गया है। देखिए कितना सुंदर कलर आया है, एकदम गोल्डन कलर है। इसे आधे सेकंड तक मिक्स करेंगे और फिर हम आपको अपने पॉपकॉर्न को इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए इसमें बबल्स आ रहे हैं, यहाँ तक जाना है, इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। ये हमारा पॉपकॉर्न, ये देखिए हमारा कैरेमल रेडी हो गया है। अब मैं इसमें पॉपकॉर्न डाल के इसे मिक्स कर देती हूँ अच्छे से। इसे गैस बंद कर देंगे। बहुत ही आसानी से धीरे धीरे मिक्स करना है। देखिए मेरे पॉपकॉर्न कितने सुंदर कलर आ रहे हैं, सब अच्छे से कोट हो गया है। अब इसे मैं प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। 2 मिनट इसे ठंडा होने के लिए लगेगा। ये देखिए मेरा कैरेमल पॉपकॉर्न बनके रेडी है। नेक्स्ट टाइम इसे मूवी टाइम पे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये बहुत ही यमी बने हैं। थैंक यू।